मुझे बहुत हद तक ये श्योरिटी है कि आप लोगों ने अब तक वो तीन चार क्लिप्स जो चार पांच हैं, एक बच्चे की है और एक पूरा ग्रुप जो वहाँ पे है पाकिस्तान में बोल रहा है, और फिर एक कोई फतवा दे रहा है, फिर कोई एक जगह तोड़ रहा है, अजान दे रहा है, तो तमाम चीज़ें आप लोग देख चुके हैं मुझे लगता है। अगर नहीं देखा है तो फिर ये पूरी वीडियो देखिए, और कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन है इस वीडियो का, जो एनालिसिस है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और कैसे ये एजेंडा हमारे यहाँ सेट किया जाता है सॉफ्टली कि हमें समझ में भी ना आए, आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, अब नोटिस करिए। पाकिस्तान से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं और यहाँ पहुंची, उन सबका वो छोटा छोटा हिस्सा दिखा दूंगा, क्योंकि बड़ा दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको सारी वीडियोस ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही होंगी, या फिर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी। पहले शुरुआत करते हैं आपको ये बताने से कि मुद्दा था क्या, किस बात पे उन लोगों का इतना आक्रोश दिखा और वो कैसे एक्सपोज हो गए हमारी नज़रों में। पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही थी हिंदुओं को अपीस करने के लिए, मतलब पीछे मोटिव वही थी, इंटेंशन वही थी कि हिंदुओं को अपीस किया जाए, तो चाह रही थी वो कि यहाँ भी हिंदू रहते हैं तो यहाँ भी एक मंदिर होना चाहिए, तो वो एक मंदिर बनवाना चाह रही थी। सब कुछ हो गया, नींव रख दी गई, शुरुआत हो चुकी थी, काफ़ी काम हो चुका था, काफ़ी नहीं मतलब कि शुरुआत हुई थी, 10% हुआ था समझ लीजिए, 10% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। उतने में ही पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया, जगह जगह से फतवे आने लग गए, शरीयत की ज़मीन पे काफिरों का मंदिर बन ही नहीं सकता, उसने खुद अपने मुंह से कहा। वहाँ की आम जनता और आम मौलवी मौलाना जो भी, जो स्पीकर्स हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं ठीक, क्योंकि मुसलमान का मुल्क है, अभी क्यों इजाजत देनी है? नहीं बनन देंगे इंशाल्लाह, से अल्लाह दे हुक्म ना, इंशाल्लाह नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन इस्लामी रियासत दे विच अज तक दस दो कि नबी ने या कि इस्लाम के हुक्मरान ने मंदिर बनवाया हो, अज तक किसी ने नहीं बनवाया। दलील करता पे मुसलमानों ने काफरां दे आखे लग के, मुसलमान होने के नाते इन विच बिल्कुल चाहिए नहीं सी कि इतने मंदिर या गुरुद्वारा कोई शायद तमीर कराऊंगा। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। पहले एक फादर है जो अपने बेटे से बुलवा रहे हैं कि अगर ये हुआ तो इमरान खान सुन लो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज़। ये टावल है। हाँ ना, देख लो जी, अगे तुम्हारी मर्जी है भाई। तो ये वहां के छोटे बच्चे हैं। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये वहां के वो नागरिक हैं जिनके लिए हमारे यहाँ ये इमेज बनाई जाती है पिक्चरों से, बॉलीवुड से, बजरंगी भाईजान से, पीके से, यहाँ वहां से, हर जगह से, कि नहीं आम मुसलमान, आम नागरिक, आम पाकिस्तानी ऐसा होता ही नहीं, सरफराज धोखा नहीं देगा। होता आप लोगों ने कभी उस तरीके से देखने की कोशिश ही नहीं की, और अब अगर सोचेंगे भी तो शायद उस एजेंडे को ऑलरेडी ढील दे दी गई है, फैल चुका है, लोगों के दिमाग में भर चुका है, तो अब अगर आप उन्हें बताने की कोशिश करेंगे तो आप ही गलत हो जाएंगे कि आप भाई कुछ हेट प्रोपोगेट कर रहे हैं। कि जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। और मैं हेट यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ मैं आपको, मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी वीडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है, उनको एक्सपोज करने के लिए है, उनकी मानसिकता को समझाने के लिए। आप लोग अपने दिल पे मत लेना, ले भी लोगे तो मुझे कुछ खास फर्क, हर बात का मैं एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन देने के लिए खाली नहीं बैठा हूँ, हर बात आपको पैम्पर करके समझाने नहीं वाला हूँ कि भाई आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, आप तो अपने, आप तो अपने। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौड़ मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो ये तो रही बच्चे वाली वीडियो, तो ये छोटे लेवल का बच्चा भी सब बोल रहा है। फिर आते हैं वहां पे जहाँ पे वो साइट है, एक आदमी
अजान दे रहा है, वो अजान वाली साइड क्लिप मेरे पास है नहीं, होती तो मैं दिखा दूंगा और अगर मुझे मिल गई एडिटिंग के टाइम पे, तो खड़े होके उस ईंटे पे अजान दे रहा है जहाँ पे मंदिर बननी है और हाथों से उसने नींव को तोड़ा। मुसलमान हम लड़ाई से भी नहीं डरते, लड़ना इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, मरना तो हर हाल में है, अल्हम्दुलिल्लाह मौत हर हाल में आनी है और तैयार है मौत हर वक्त। आपके पास अगर है मानो, हम इधर साइड के साथ बोल रहे हैं, नहीं हम डरते किसी, मानो ये भी करने देंगे इंशाल्लाह। आपकी ड्यूटी है मदर को बचाना है, हमारी ड्यूटी क्या है पाकिस्तान को बचाना है, इन काफर को इस्लाम की हमने तो इस्लाम की इबादत करनी है, सीधी बात है, हम नहीं डरते किसी से, हमने यहाँ पर मदर नहीं बनने देना। अब तीसरी वीडियो, एक मौलवी मौलाना इमाम जो भी होगा याद व्यक्ति ये क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। मस्जिदें चंदू से बन रही हैं और मंदिर पाकिस्तान के खजाने से पैसे निकालकर मंदिर बन रहे हैं और वफाकी वजीर कह रहे जी ठीक है जी, बराए मजहबी उमूर भी कह रहा है जी बनेगा। मैंने कहा ठीक है बनाओ तुम मंदिर, अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख दे। अगर ये कंडीशन पाकिस्तान के आम जनता के बीच में है, वो लोग ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, खुल के विरोध करते हैं, एक मंदिर की नींव रखने से पहले भी, मतलब कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है, और कभी किसी ने भारत से भी उंगली नहीं उठाई, भारत के मुसलमानों ने कभी कुछ बोला ही नहीं कि वहाँ भी तो हिंदू रहते हैं, उनकी चिंता है हमें, नहीं बोलता। इनफैक्ट यहाँ का हिंदू भी उतना वोकली होकर नहीं बोलता कि हमें वहाँ के हिंदुओं की चिंता है, नहीं बोलता। एक बार सरकार ने कोशिश कर दी सीए लाने की, एनआरसी लाने की, कि फालतू के लोगों को हटाएं और हमारे उन लोगों को बुलाएं जो फंसे हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, जो आना चाहते हैं, तो यहाँ के हिंदुओं को भी बहुत दिक्कत होगी। मुसलमानों की दिक्कत तो जायज़ है भाई, उनका अपना अलग एजेंडा है कि हम यहाँ पर आबादी कैसे बढ़ाएंगे जब हम यहाँ के फालतू मुसलमान चले गए, तो जो इलीगल है एजेंडा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो इनका विरोध जायज़ है, हिंदू ने क्यों नहीं विरोध जताया। और सबसे दुख की बात और आयरनी यह है कि हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ के जब मस्जिद बनाया गया तो उस मस्जिद को हटा के जब फिर मंदिर बनने की बात आई, हिंदुओं ने ही विरोध किया बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, और वो भी उस जन्मभूमि पर जहाँ हमारे इतिहास मतलब जो एक्चुअली में हुआ था, तो हमारे इतिहास के हिसाब से भगवान श्री राम पैदा हुए थे और हम वहाँ श्रद्धा से सर झुकाने जाते हैं, तो वहाँ क्या एक मंदिर नहीं हो सकता उनकी धरती पे? तो बहुत लोगों को बहुत आपत्ति है और हमने इसको लीगली जीतने की कोशिश की, तलवार उठा के नहीं, चाहते तो हम इतनी तादाद में हैं कि तलवार उठा के यहाँ के मुसलमानों को कह सकते थे कि या तो मार हो जाएगी, या तो चुपचाप बनने दो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या तो मार हो जाएगी, या तो तुमको पाकिस्तान भेज देंगे, उठा के फेंक देंगे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। वो लड़ने के लिए तैयार हैं, खुल के बोल रहे हैं, सरकार पीछे हट चुकी है, लिटरली पीछे हट चुकी है, अब मंदिर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पाखंड चलता है उसके पीछे हम छुपे रहते हैं, हम कभी खुल के अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिद अगर कहीं है तो भारत में, लेकिन पाकिस्तान में एक मंदिर अगर कोई बनाना भी चाहता है, भले अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो, बनने भी नहीं दिया जाता। और हम यहाँ पे ये कहते हैं आपस में बात करते हुए, नहीं वहाँ तो टेररिज्म है, बस आम जनता भी पीड़ित है, आम जनता ऐसी होती है। तो अगर आम जनता ऐसी होती है तो कर्मों का फल तो भुगतना ही है, पीड़ा दोगे तो पीड़ा मिलेगी। तो जब सारी जनता ही जिहाद करने में लगी हुई है, सारी जनता ही ढंग से कुरान पढ़ती है, असली मुसलमान है, तो दिक्कत क्या है कि हेट किया जाए उनसे, क्या दिक्कत। खैर, मेरी इस वीडियो से रिक्वेस्ट हमारे इंडिया से ये है, भारत से ये है, कि आप अपनी कल्चर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, अपनी मान्यताओं पे मत करिए। जो भी चीज़ आपको लगती है कि हमारी आस्था से जुड़ी है, उसको पाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट मत करिए, आप गलत नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए और डट के उस चीज़ को हासिल करिए। बस अपने प्रतीक, अपने वो हेरिटेज, अपना कल्चर, अपने मॉन्यूमेंट्स, उनको बचाने के लिए तो लड़ सकता है, अपनी धरती को बचाने के लिए लड़ सकता है। खैर, मेरा ओपिनियन इतना ही था,
आंखें खोल लीजिए, पाखंड के पीछे मत भागिए कि पाकिस्तान में सब अच्छे ही हैं। जो आप देखते हैं कम से कम उस पर यकीन करिए, अपनी आंखों से देखा कानों से सुना, सिर्फ अगर इतना कर सकते हैं तो उतना भी करिए और इसको देख के समझ जाइए और इनसे कुछ सीख के यहाँ पे भारत में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लीजिए और अपने हक के लिए खड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।